ध्यान में हम हर चीज़ साक्षी भाव से देखते हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने ध्यान बढ़ाया, जीवन की घटनाएं, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति सबके साथ साक्षी भाव से देखने की धीरे धीरे आदत होने लगी। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है हमारे सबके जीवन में, जिससे हमारा जीवन तो बदलता है, हमारे रिलेशनशिप्स बदलते हैं, लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आता है ध्यान से। पत्री सर कहते थे, पुण्य का फल भोग है, पाप का फल रोग है और ध्यान का फल ज्ञान है। ध्यान की इस महिमा को जानने के लिए ही हम यहाँ उपस्थित हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतु विश्वकर्मा और हमारे साथ यहाँ पर संध्या नायडू मैम जुड़े हैं, जिन्होंने 2021 से अपनी ध्यान की यात्रा प्रारंभ की है। आइए जानते हैं उनसे उनकी ध्यान की यात्रा के बारे में। नमस्कार मैम। आपके ध्यान के अनुभवों से हम रूबरू होना चाहते हैं, कृपया हमें अपने ध्यान की यात्रा के बारे में बताइए। मैम, हम ध्यान से 2021 में जुड़े हैं और घर में काफ़ी प्रतिकूलताएं थी, समझ में नहीं आ रहा था इससे बाहर कैसे निकले। और हम पहले से स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी हमारे घर में पूरा चलता था, मगर एक अंदर जो एक ये था, इंस्टेबिलिटी थी, माइंड अनस्टेबल था, जिस और प्रॉब्लम्स भी बहुत थे। एक्चुअली घर में हस्बैंड और मेरा भी थोड़ा सा टसल चलता ही था, क्योंकि ही वॉज ऑफिसर इन BSP, आई वॉज गैजेटेड ऑफिसर, रिटायर्ड गैजेटेड, तो हमारा अपना एक ईगो था, तो ईगो से टसल चल ही रहा था मतलब घर में। और उसमें 2021 में बेटे की शादी हुई, छोटा वाला बेटा मेरे साथ बहुत ज़्यादा, मतलब वी वेयर मोर फ्रेंड्स देन सन एंड मदर, ऐसा रिलेशन था। गपशप मारना, बाहर आउटिंग के लिए जाना, हर चीज़ उसके साथ शेयर होती थी, मतलब जो चीज़ किसी के साथ लाइफ में शेयर नहीं करते थे वो मैं उसके साथ, इवन वो भी करता था। मगर 21 में उसकी शादी हुई और क्या हुआ समझ में नहीं आया, वो एकदम अबाउट टर्न हो गया, मतलब बातचीत करना बंद, फ़ोन पे भी नहीं, मैसेजेस बंद। तो मैं बहुत हर्ट हुई कि ऐसे क्या हुआ है मेरे लाइफ में, एक तो हस्बैंड के साथ की रिलेशंस ऐसे, फिर बेटे के साथ ऐसे हो गया है, और तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ गलत जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बार फिर ध्यान के मैं YouTube वगैरह सर्फिंग करती थी, उसमें 2-3 दिन मैं ऐसे पत्री जी का ये देख रही थी, आनापान सती ध्यान वगैरह, और उस ध्यान मतलब मुझे ऐसे लगा कि अरे ये ध्यान की मेथड बहुत आसान है। और तभी तक मैं भक्ति मार्ग में थी, मैं कृष्ण की थोड़े से डिवोटी हूँ और उसके साथ हमेशा दिन भर उसी के साथ रमती रहती हूँ, जैसे उसी को नहलाना धुलाना, उसके कपड़े सिलना, कपड़े पहनाना, उसको पूरा श्रृंगार, उसी मेरा समय निकल, मैं अपना मन वहाँ लगाती थी, क्योंकि संसार में तो आई यूज टू फील दैट यस आई एम फेल्ड हियर, तो इट्स ओके चलो। तो ऐसा फिर मगर लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे इससे बाहर पड़ना, बिकॉज आई यूज़ टू बिकम एक ऐसे डिप्रेशन टाइप का मेरे लाइफ में आने लगा, कि कुछ बैठे बैठे मैं रो, ऐसे आँख से आंसू बहने लगे, नहीं यार इससे, एक बार लगा कि ये सब कुछ छोड़ के कहीं बाहर निकलना है इससे, ऐसी सोची। और पत्री जी का वो ध्यान का ये देखी, मगर ऐसे लगता था कि नहीं, ध्यान के लिए कोई तो चाहिए जो हमको प्रॉपरली ध्यान सिखाए, ऐसे मन में आता था। और फिर ऐसे ही एक दिन घर में बहुत, उस समय धूप थी, मई का महीना था, बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैं गाय वगैरह को हम लोग खिलाते हैं, तो मैंने इनको बोला कि यार चलो ना थोड़ा सा लेके आते हैं, चारा ख़त्म हो, मैंने आऊँगा, वो तुम तुम्हारा देख लो। बोली यार टू व्हीलर पे इतनी धूप है, और मेरे को धूप से बहुत, उस समय बहुत एलर्जी थी, अभी मेडिटेशन से वो सब नहीं रहा, थोड़ा सा धूप में जाने से चक्कर आना या जी मचले टाइप होना ऐसे होता था, मगर नहीं, गाय को तो खिलाना है, निकलना ही पड़ेगा। मैं टू व्हीलर से निकली और वो दुकान के सामने फुर्सत से खड़ी थी, वो दुकानदार थे नहीं, तो मैंने सामने मारुति ध्यान केंद्र उसी आगे गली में है, तो वहाँ पत्री जी की फ़ोटो देखी, मैं अरे ये तो मैं 2-3 दिन से इनका देख रही हूँ। तो मैं उस दुकानदार से
पूछी कि सर यहाँ पे क्या सेंटर वगैरह है क्या, बोले हाँ बहुत अच्छा सेंटर है, मारुति ध्यान केंद्र है, मैडम तो बहुत अच्छी है, सर भी अच्छे हैं, आप मैडम से ज़रूर मिलिए। तो मैं बोली सर मुझे फ़ोन नंबर देना उनका, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन नंबर दिया। और फिर उसी दिन शाम को 4 बजे मैं आशा मैडम से मिलने गई तो मुझे पता नहीं, मैं वहाँ पे भी बस्ट आउट हो गई, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। तो मैडम बोली मैडम आप बैठिए, फिर पानी वगैरह पिला के मैडम बोली मैडम आप हमारे मेडिटेशन से जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बोली ठीक है मैम, कैसे करते हैं मुझे एक बार बताओ, मुझे बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है। तो बोली ठीक है। और उस समय फिर आधा घंटा नियरली बैठी, मैम ने अच्छे से ध्यान कराया। अब मैम बोली कि मैम सैटरडे हमारा घर घर ध्यान उस समय चलता था, तो आप आइए ज़रूर, हमारी मैडम स्वर्णा मैडम से मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे। तो ठीक है आ जाऊँगी। और फिर उस सैटरडे मैं हमारे यहाँ साहू मैडम हैं उनके यहाँ उस समय ध्यान था, तो मैं मैम से उस समय ध्यान के लिए गई 5:30 को। तो मैम के साथ ध्यान वगैरह हो गया, फिर मैम के पास में बैठ के मैंने सब ये बताया, तब मैम ने इतना अच्छा मुझे सबसे बाहर निकाला, बस हाथ पकड़ के मैम बोली मैडम आपका जन्म ये सब करने के लिए नहीं है, आपके पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान बांटो, बस हो गया। मैम ने सिर्फ मुझे इतना कहा नहीं, मुझे एक बेस दिया कि आप एक काम करिए, आप मेरे ख्याल से उनको मतलब शी इज़ ग्रेट, शी इज़ हर नेम इज़ स्वर्णा बट शी इज़ अ डायमंड आई फील, और वो डायमंड को वही पहचान सकता है जो जवेरी है, ऐसे मुझे लगता है कि। और फिर उन्होंने मुझे बेस दिया कि आप जूम मीटिंग मैं अरेंज करती हूँ, आप भगवद्गीता का सेशन लीजिए, उसमें ध्यान भी ये कराइए, और भगवद्गीता का आधा घंटा रोज़ 2 श्लोक पढ़ना भी है, लोगों को पढ़ने भी सिखाना है, और अर्थ भी बताइए, आध्यात्मिक अर्थ भी बताइए। ऐसे करके फिर विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स उन्होंने वो जूम मीटिंग अरेंज की। मैडम ध्यान में आने से एक्चुअली एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि पत्री जी का ध्यान एक तो इतना आसान है, आप कहीं भी बैठो आराम से बैठो, और दूसरी बात कभी भी करो, ऐसे नहीं है कि नहा के करना, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। और ये ध्यान का एक तो सबसे ये आसान तरीका है, दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान में हम हर चीज़ साक्षी भाव से देखते हैं, सांस को जो हमारी इतनी क्लोज है उसी को हम साक्षी भाव से देखते हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने ध्यान बढ़ाया, जीवन की घटनाएं, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति सब के साथ साक्षी भाव से देखने की धीरे धीरे आदत होने लगी। उसके कारण फ़ायदा क्या हुआ, परिस्थिति बहुत बदली नहीं मेरे घर की, मगर मेरी मनस्थिति बदल गई। ये ध्यान का सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे लिए हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, घर के टसल्स पूरी तरह से बंद हो गए कि ठीक है यार, आई यूज़ टू रिएक्ट, वो हाँ कहे तो मैं कर दी थी, तो वो रिएक्शन बंद हो गया, आई यूज़ टू रिस्पॉन्ड कि ठीक है यार नेचर ही ऐसा है छोड़ दो, ये होने लगा। ये तो केवल ध्यान के कारण हुआ। बहुत बढ़िया मैम, आप जैसा आपने कहा कि आपने जूम सेशंस लिए और लोगों को भगवत गीता से जुड़ा और ध्यान भी सिखाया, तो आपके द्वारा लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आए? मैडम ध्यान मैं भी करती थी और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा करना ये ऐसे मुझे लग रहा था बार बार। तो मेरी एक भांजी है जिसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, शी स्टेज एट पुणे, शी इज़ वर्किंग विथ MNC, शी इज़ बिलोंग टू IT, और मगर पर्सनल प्रॉब्लम्स उसके बहुत थे, कुछ नेचर कहो, कुछ सिचुएशन कहो, जो भी हैं। तो जब भी फ़ोन करती थी और पेरेंट्स के साथ इतनी ये नहीं थी, उसकी गेट अलोंग नहीं कर पाती थी, तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, रोना गाना हर चीज़। तो मैं उसको बस एक ही बार बोली बेटू तू एक काम कर, ध्यान करने लग। ये ध्यान क्या होता है? तब मैं बोली अपन बैठेंगे रोज़ 30 मिनट ना, मैं तुमको अपन जब भी तुमको समय है, तुम्हारे कॉल्स वगैरह हो जाने के बाद, दिन रहे रात रहे, जब भी तुम मुझे कॉल करो कि मेरे पास अभी 30 मिनट समय है संध्या, तो अपन बैठेंगे। तो वो फिर कॉल करने लगी। तो 1 वीक करने के बाद वो उसका जो रोना गाना है ना वो टोटली बंद हो गया, थोड़ा सा अलग इसमें संध्या तो बहुत मज़ा आ रही है ये करने से, मैं भी करूँगी। फिर मैंने उसको कहा कि हमारे यहाँ 3 दिन का ध्यान सत्र होता है मारुति पिरामिड में,
तू आना मैम से मिलने से तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो मैम से मिली और उसका लाइफ तो अभी पूरी तरह से चेंज हो गया है। पुणे में वो एक और भी बहुत सीनियर मास्टर है तनुज करके, उनके कांटेक्ट में भी रहती हैं। और फिर पुणे में ध्यान करना, उन लोगों से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, जिससे उसके लाइफ में बहुत फ़र्क आया है। दूसरा एक है मैडम हमारे ही एरिया में, सामने एक मैडम रहती है जो दो तीन लेडीज़ मिलके बोलते थे कि मैम हमको भी ध्यान सिखाइए। मैं भी बोलती थी कि यार कुछ प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम रहे, मेंटल जो भी है, ध्यान से बहुत कम होते हैं। तो उसने बोला कि अरे यार मुझे ना बहुत सालों से ऐसे हो रहा है कि रात को नींद ही नहीं आती। मैं बोली ध्यान करो, आ जाएगी, ऐसी नींद आएगी कि उठाना पड़ेगा किसी को। तो वो बोली ठीक है, बोली आप समय डिसाइड करो, जब भी आप बोलोगे मेरे घर आओ या आपके घर बैठेंगे, तो बोली नहीं आपके यहाँ आते हैं, मेरे यहाँ थोड़ी सी, ठीक है कोई बात नहीं, जब चाहे। तो बोली सुबह 6 to 7, ऐसे बोले ओके आ जाओ। तो वो दो तीन दिन ही आई, तो फिर चौथे दिन बोली मुझे इतनी अच्छे से नींद आ रही है, 17 साल में मुझे रात को नींद नहीं आई, मन इतना शांत हो जाता है। मैं बोली बस रक्षा इसको हमेशा करते रहना, सिर्फ नींद ही नहीं, नींद के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको है भी थोड़ा अस्थमेटिक वगैरह, ये सभी प्रॉब्लम्स तुम्हारे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अभी वही बोल रही है कि मैं भी रेगुलरली करती हूँ, उसका हस्बैंड बोल रहा है कि यार मुझे भी सिखा, मेरे को भी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और उनकी प्रॉब्लम्स तो कम हुई हैं, तो वो अभी बोल रहे हैं कि हम एक ग्रुप बनाते हैं और पूरा ग्रुप आपके घर या मेरे घर शुरू करते हैं, जब भी तू बोलेगी अपन शुरू करते हैं। तीसरा एक इन ये है मेरे लाइफ में कि मैं जब ये जूम मीटिंग्स ले रही थी, तब मेरी ननंद की बेटी है जो बिलासपुर में रहती है, वो भी जुड़ी है इससे। तो उसका एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो जूम मीटिंग के बाद जो मेडिटेशन होता है उसमें भी वो सुनती थी, मेडिटेशन करती भी थी। तो बोली मामी जी क्या हुआ, पता नहीं मेरे ना मेरा का उसको एक न्यूरो प्रॉब्लम है। तो वो न्यूरो प्रॉब्लम इतना मेरा हट गया, अब की मेरे यहाँ जब शादी में आई थी तो स्टेप्स आगे डालने में नए जगह पे उसको दिक्कत होती थी, उसको थोड़ा सोच के वो स्टेप आगे डालती थी, मगर ध्यान करने के बाद वो सहज चलने लगी। वो बोली ये चेंज कब आया मुझे भी नहीं पता चला। और फिर बोली अब की बार मैं एक शादी में गई थी, मगर मैं मस्त थी वहाँ पे, बहुत एंजॉय, चल खुश रहे। इस प्रकार ऐसे ये दो तीन अनुभव तो है ही, और ऐसे लोगों प्लस मेरी मानी हुई बेटी रहती है गोंदिया में, तो ये जो सेशन है जूम सेशन उसके थ्रू मैं वो बोलने लगी कि मुझे भी सिखा, और मेरा बेटा सीखना चाहता है भगवद्गीता, तो वो तो रोज़ श्लोक, रोज़ दो श्लोक ऐसे करते करते उसके 3 अध्याय करीब करीब कंप्लीट हो गए हैं। और उसकी बेटी है जो बहुत एवरेज थी, तो बोली आंटी इसको पहले ध्यान में बिठाओ, एक तो वो टीनेजर हैं, थोड़ी सी अल्लड़ हैं, थोड़ी सी ये हैं, चंचल भी हैं, तो मेरे ठीक है रोज़ अपन फ़ोन पे बैठा करेंगे। तो शाम के समय 6:15 से 7 वो बेटा और बेटी दोनों को लेके बैठती थी, तो उसके कारण उसकी हमेशा उसको 60-65 की रेंज में रहती थी, तो ये टाइम उसको 11th में 85 मिला। तो बोली आंटी मुझे ना 85 मिला। मैं बोली हाँ ध्यान का परिणाम है। हाँ आंटी मैं करूँगी, लग रहा है मुझे जो पढ़ाई मुझे मेरी आधे घंटे में होती थी ना आंटी, अभी 5-10 मिनट में सहज हो जा रही है मेरे ध्यान में भी। तो मैं बोली हाँ योग कौरस कर्मसु कौशलम, जैसे जैसे योग बढ़ेगा ना कर्मों में कुशलता आती ही है, तो ध्यान बहुत ज़रूरी है हमारे सबके जीवन में, जिससे हमारा जीवन तो बदलता है, हमारे रिलेशनशिप्स बदलते हैं, लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आता है ध्यान से। मैम आपने ध्यान के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बहुत ही सुंदर परिवर्तन किए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ध्यान के द्वारा आपकी और आपके परिवार के बीच जो भी अंतर संबंध थे वो किस तरह से बदले, उनमें किसी तरह का बदलाव अगर आपने महसूस किया हो ध्यान के पहले या ध्यान के बाद में, तो वो ज़रूर यहाँ पर शेयर करें। ध्यान की पहले मैंने बताया था कि बहुत टसल होती थी, मगर जैसे जैसे घर में मैं ध्यान करने लगी वैसे हस्बैंड का नेचर बहुत चेंज हुआ, मेरी तो मनस्थिति चेंज हुई। मैंने बताया कि ध्यान से मनस्थिति चेंज होती है हमारी वैसे, और उनकी भी होने लगी कि ठीक है कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हो, और वो धीरे धीरे कोऑपरेट करने लगे। अच्छा जाना है क्या, हाँ जाओ, या गाड़ी की ज़रूरत है क्या ले जाओ, या ड्राइवर अरेंज करना है क्या ले जाओ, मतलब पता नहीं एकदम से उनमें भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। अभी भी वो बहुत कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। और ध्यान का मुझे एक ये हुआ है कि अभी मेरे हस्बैंड की
बहुत बड़ी डबल सर्जरी हुई, मेजर सर्जरी हुई, उसमें मुझे ध्यान से बहुत इनर स्ट्रेंथ मिली। मतलब यहाँ तक कि डॉक्टर तक मुझे डरा रहे थे मगर मैं डर नहीं रही थी। एक तो ध्यान का ये तो था ही मेरे साथ आधार था, प्लस स्वर्ण मैम का आधार था। मतलब उनको, वो पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते थे और उन्होंने जो कुछ टैबलेट्स बंद किए थे जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो गए थे हार्ट में, और हार्ट सर्जरी करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मगर ऑलरेडी उनको RCC था, दैट वी केम टू नो आफ्टर सब बायोप्सी और मार्कर ट्रेस करने के बाद, कि किडनी में, किडनी के अगल बगल में उनको बहुत बड़ा ट्यूमर डेवलप हुआ, और वो ट्यूमर इट वाज कैंसरस ट्यूमर। तो जब उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई उस समय डॉक्टर ने भी बताया कि हमारे बहुत रिस्की हैं, 90% रिस्क इज़ देयर, 10% ओनली चांसेस हैं उनके बाहर आने के, एंड इफ़ एनीथिंग हैपन्स, क्योंकि नीचे पूरे कैंसरस टिश्यूज़ है, वो अगर ऊपर तक फैले रहेंगे तो वी वोंट बी एबल टू हेल्प, वी हैव टू क्लोज एवरीथिंग। तो ओके आई सेड जो भी है, मगर मैम ने मुझे, मैंने मेरी मैम से हमेशा कम्युनिकेशन होता था, और मैम बोली थी मैम ओपन हार्ट करना चाहते हैं क्या, तो मैं बोली हाँ मैम, ऐसे उसके बिना आगे टोटल बॉडी एनेस्थेशिया देना है तो हार्ट बहुत वीक है, तो बोले मैम कुछ नहीं होगा, करा लीजिए। तो वो जो उनका सेंटेंस है ना, वो मेरे साथ था ही, और प्लस मेडिटेशन का स्ट्रेंथ था। तो जब भी वो OT में गए, उस समय भगवत गीता तो मेरे साथ रहती हैं, तब मैंने उनके छाती से लगा के कहा कि यही तुमको अलाइव बाहर लेके आएगा करके, एंड इट हैज़ हैपन्ड लाइक दैट। और मैम के इसके कारण मैं बाहर, OT के बाहर नियरली 4 आवर्स ऑपरेशन चला, और मैं ध्यान में बैठी थी, मुझे कुछ भी मतलब ये नहीं था, ऐसे लगा ही नहीं कि कुछ रिस्क होगी कुछ। एंड लिटरली बाय 8 o'clock ही वेंट इनसाइड, एंड 12:30 डॉक्टर का फ़ोन आया मुझे कि मैम ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड ही विल बी कमिंग आउट। ये फर्स्ट ऑपरेशन के समय हुआ, सेकंड ऑपरेशन के समय फिर मैम तो फिर आके मिल के गई थी हमको हैदराबाद, और फिर मैम ने, मैम को बोली मैम सेकंड ऑपरेशन भी डॉक्टर बोल रहे हैं बहुत रिस्की है, तो ओनली 5% लाइव वापस आने के चांसेस हैं। तो उस समय फिर हमने एक बार फिर मैम से बात की, तो मैम बोली नहीं मैडम सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। और कुछ फैमिली में भी हमारे कुछ ये चल रहे थे, हर एक के अपने व्यूज़ थे कि ऑपरेशन कराना नहीं है, तो ये बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो इससे बाहर निकलना ही है। और तब ऐसे सब हो रहा था कि मामा आपके कारण हो रहा है, आप पापा को ये, मेरा नहीं है, उनके अपने व्यूज़ हैं ये, मगर ये सब होने के कारण ऐसे लग रहा कि अरे कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ी मुश्किल मेरे ऊपर आएगी। मगर मैम का एक सहारा तो था ही, मेडिटेशन का ये था कि नहीं मेरा मतलब बाहर आएंगे, ये एक कॉन्फिडेंस था। और उसके कारण सेकंड ऑपरेशन के समय भी ये जब अंदर गए उसके बाद थोड़ा सा टेंशन था। डॉक्टर ने बताया था कि आपको मैडम टेंशन नहीं आ रहा है क्या, तो मैं बोली, मैं कुछ बोली नहीं, बस इतना ही मेरे मन में मैम को बस ये की याद की और शांत थी। और जब OT में इनको लेके गए, वो ऑपरेशन भी करीब करीब 4.5 hours चला, मगर उस ऑपरेशन के समय हार्ट स्पेशलिस्ट जो थे रेड्डी सर वो भी प्रेजेंट थे, उन्होंने 3 hours के बाद बाहर आके मुझे बोला मैम ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, डोंट वरी ही विल बी कमिंग आउट सेफली। और उसके बाद रात को इनका थोड़े अनस्टेबल हो गए, 11 o'clock वेंटिलेटर पे चले गए, HB5 हो गया। उस समय भी थोड़े से हम ये हो गए थे, तब मैंने रात को मैम को जस्ट मैसेज किया कि डोंट वरी, बस थम्स अप करके मैम ने बोला। तो मतलब वो एक ये था कि ये सील भी ओके। एंड सुबह फिर 5 o'clock तक थोड़ा सा कंडीशन इनकी ये रही, मगर बाय 5 o'clock ही वो ओके, क्योंकि ब्लड दिया गया उनको काफ़ी, 4 units का। तो ये सब जो इनर स्ट्रेंथ मिलती है ना मैम, ये सब ध्यान से ही मिलती है ऐसे मुझे लगता है। तो सब ने ध्यान करना चाहिए, और मैडम जैसे साथ रहे और ध्यान साथ में रहे ना, तो लाइफ इतना हल्का हो जाता है, मस्त हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं रहती लाइफ में। ये एक्सपीरियंस मैंने उनके साथ शेयर किया है, मगर शायद उनकी अभी तक अभी मेडिटेशन की यात्रा शुरू नहीं हुई है, हो जाएगी ऐसे लगता है, समय आने से सब ठीक हो जाता है। मगर अभी वो पहले जो हर चीज़ हाँ ना होती थी ना, अब वैसे नहीं रहा,
हर चीज़ को कोऑपरेट करते हैं उनके इसमें, मतलब हर चीज़ सुनते भी हैं, तो ये फ़र्क उनके बिहेवियर में आया है। मेडिटेशन वो करते नहीं, वो एक्चुअली एक योग का एक इंस्टीट्यूशन है बिहार का, मुंगेर का। हमारे हस्बैंड के एक अपने गुरु हैं निरंजन दास करके, जो शिवानंद जी, जो ऋषिकेश में शिवानंद जी का आश्रम है, उनके साथ वो, उनके शिष्य है वो, तो उनके यहाँ वो पहले से ध्यान की उनकी यात्रा उनके साथ है। तो वो हमेशा, इवन मैम ने बोला कि नायडू सर ध्यान शुरू करिए, तो वो बोले मैं करता हूँ मगर मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो ठीक है, ही इज़ ऑल्सो अ मेडिटेटर, मे बी मेथड इज़ डिफरेंट बट ही इज़ गुड। बट नाउ आवर रिलेशंस आर वेरी 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 स्मूथ। वो भी अपने तरफ से अपने रूम में बैठ के ध्यान थोड़े बहुत करते हैं, मेरा तो चलता ही है। बहुत ही सुंदर मैम। तो जिस तरह ध्यान के द्वारा आपने अपने आप को एम्पावर्ड किया और आपकी फैमिली में एक्सेप्टेंस की भावना भी बढ़ी, अब हमें बताइए कि आपने पिरामिड के अंदर कोई अलग थर्ड आई एक्सपीरियंस किया हो या किसी तरह का विशेष अनुभव किया है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। पिरामिड का एक्सपीरियंस मैम, एक तो हम करेली गए थे शिवरात्रि के समय मैम के साथ, सभी हम पूरे यहाँ का जो ग्रुप था वो पूरा था, और उस समय मेरा फर्स्ट पिरामिड का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट डे जब मैं फर्स्ट टाइम जब बैठी ध्यान में, मैंने पत्री जी को देखा भी नहीं था, मगर ऐसे एकदम खड़े हो गए वो सामने, तब मुझे लगा कि है कुछ, और मैम उनकी शिष्या है और उनकी इतनी पावरफुल है तो ये कितने रहेंगे, ऐसे मुझे लगा। मैंने जस्ट प्रणाम किया, बाउ डाउन की, और वो फिर चले गए। सेकंड एक्सपीरियंस मैम ने कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराई थी, उसमें सूफी एक्टिविटी थी जिसमें हम अपने ही अराउंड गोल घूमते हैं दोनों हाथ नीचे करके, जिसमें हमारे जो अवगुण हैं वो हम गिन गिन के गोल घूमते घूमते वो ये करते हैं, छोड़ते हैं, और हाथ ऊपर करके वैसे ही उसी डायरेक्शन में हम घूम के जो गुण हैं जो हम चाहते हैं हमारे लाइफ में वो सब। मैम वो एक्सपीरियंस इतना एक्सक्लूसिव था कि लिटरली इट वाज फीलिंग कि हमारे हाथ से ऐसी कोई ऊर्जा ज़मीन के अंदर जा रही है, कुछ फ्लो महसूस हो रहा था, और हाथ ऊपर करने से भी वैश्विक ऊर्जा जो पिरामिड के कारण हमारे अंदर आ रही है, कुछ फ्लो हो रहा है, वो बिल्कुल महसूस हो रहा था। उसमें लिंक मेडिटेशन भी हुआ था, वो इट वाज आल्सो बेस्ट, मतलब उसके कारण बहुत ज़्यादा शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है, सिर भारी हो रहा था, महसूस हो रहा था सब चीज़। दूसरी एक उसके बाद मारुति पिरामिड में जब ये बना, पिरामिड बना मारुति ध्यान केंद्र में ऊपर, तो उस समय मिठा मनोहर सर भी आए थे और उन सर ने ही वो उसका उद्घाटन किया था। उस समय जब हम ध्यान में बैठे तो इतने जल्दी हम कनेक्ट हो गए, और पिछले नियरली 40 ईयर्स से मेरा कृष्ण के साथ काफ़ी लगाव है, मतलब माय लाइफ इज़ है ही ओनली, ऐसे कुछ भी होता यार कृष्ण को बताएंगे, ऐसे होता है। मैं आई लिटरली टॉक टू हिम, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते थे, अभी तो ध्यान में तो होता ही है ये सारी चीज़ें, मगर पहले ही वॉज़ लाइक ही वॉज़ माई एवरीथिंग, ही इज़ माई एवरीथिंग, ऐसे है। तो वहाँ बैठने के बाद एक 5 मिनट के बाद हम सभी बैठे थे, अब भी थे मैं उस समय, तो ऐसे एकदम सा नीला प्रकाश पूरा, और उसमें वो बिल्कुल ऐसे सामने आ गया, और आई वॉज मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, धरती पर हूँ या गोलोक में हूँ, ऐसे लगा। और फिर मतलब मैंने हंसते हुए कहा कि कुछ मेरे लिए मैसेज, तो ही होल्ड माय हैंड्स, एंड ऐसे गांव था वहाँ पे, ऐसे ये किया कि इस तरीके से गांव में, जैसे एज इफ ही वॉज टेलिंग कि आपको प्रचार प्रसार करना है इस तरीके से। तो दैट वॉज ऑल्सो बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द पिरामिड। वंडरफुल मैम, थैंक यू मैम, आपके बहुत ही सुंदर अनुभव हैं। हमें ये बताइए कि कोई एक ऐसा अनुभव जिसके द्वारा आपके अभी की जीवन की स्थिति में कोई बहुत ही सुंदर और बड़ा परिवर्तन हुआ हो। मैम एकता पिरामिड में
48 आवर्स का ध्यान का ये होता है, सत्र होता है। मारुति पिरामिड में 3 दिन का एक ध्यान सत्र होता है, उसमें मुझे 3-4 बार पास लाइफ के काफ़ी एक्सपीरियंसेस आए हैं, जिससे मेरी लाइफ में जो ये सब हर्डल्स है ना उससे, या जो पूरी टसल है, इससे बहुत क्लैरिटी मिली है कि क्यों मेरे लाइफ में ये सब हो रहा है। एक तो मुझे ऐसे लगता था, मैंने क्वेश्चन किया था कि स्वर्णा मैम से अभी मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा पूरा लाइफ उन्होंने चेंज किया है, तो मेरा इनके साथ क्या रिश्ता है पुराना ऐसे। तो जब एकता में मैं बैठी थी नियरली 4-5 आवर्स के लिए, तो उस समय मुझे दिखा लिटरली कि ऐसे पूरी पहाड़ी के इसमें पूरे ऐसे छोटे छोटे कुटिया बने हैं, और मैम एक साधु के वेश में थी और हम सब शिष्य थे मैम के, और मतलब सब शिष्य बहुत अच्छे थे, मगर हम कुछ 4-5 शिष्य जो थे वो बहुत रिबेलस थे। मैम हाँ बोलने से नहीं बोलते थे, और मतलब पता नहीं ऐसे क्यों था। तो वो शायद वो बचा है जो हमारा, मतलब मैम के साथ का जो संबंध है, तो वो ये जीवन में पूरा हो रहा है। अब तो मैम जो बोलती है हम आँख मूंद के यस मैम बोलते हैं, और उससे हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है लाइफ में, फिज़िकली, मेंटली, हर चीज़ में, रिलेशनशिप्स में, लाइफ की क्लैरिटी में। तो बहुत ही, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर एंड ऑफकोर्स मेडिटेशन, पत्री सर और हर चीज़ के लिए। बहुत ही सुंदर मैम, जिस तरह आपने भगवद गीता को लोगों को पहुंचाया और ध्यान का प्रचार प्रसार किया, और इस ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया ही, अन्य लोगों को भी उनके जीवन को जीने की कला सिखाई और उन्हें सशक्त किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमने जाना कि संध्या जी ने ध्यान के द्वारा अपने जीवन में किस तरह से सकारात्मक बदलाव किए। हम हैं PSSM की अगली कड़ी में, हम जानेंगे संध्या जी से उनके और अनुभवों के बारे में। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू। PMC हिंदी, बदली जी।